नमस्कार दोस्तों, आज है 6 मार्च। तो 6 मार्च के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राज्य में पिछले 6 वर्षों से नहीं हुआ सेट परीक्षा का आयोजन। अगली खबर, आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। बीएड और ओपन मेट के लिए रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो चुके हैं। रेलवे में ग्रुप डी के 1 लाख से अधिक पद पर भर्ती होगी। अप्रैल मई में प्रारंभ होगी इनकी लिखित परीक्षाएँ। JNU की कोविड विशेष PG परीक्षाएँ वो शुरू हो चुकी हैं। नीट PG के लिए प्रश्नों की संख्या घटाकर 200 कर दी गई है। 18 अप्रैल से होगी इसकी परीक्षा। UGC नेट के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि वो बढ़ा दी गई है। आरक्षण जो बजट है बहस में हुआ था आरक्षण का मामला। EWS वर्ग को भी मिले आयु शुल्क में छूट। देवनानी 2.5 लाख में 1,80,000 युवाओं को नौकरी की घोषणा मिली। मात्र 13,000 को। कटारिया ने लगाए वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप। सहायक अभियंता परीक्षा का परिणाम घोषित। साल 2019 में कराई थी इसकी मुख्य परीक्षा। कनिष्ठ अभियंता की निरस्त की गई परीक्षा 12 जून को होगी। JEE मार्च के आवेदन शाम 6 बजे तक होंगे। 32,000 से अधिक नए आवेदन। और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथियों में कर दिया बदलाव। CBSE 12वीं परीक्षा में गणित और फिजिक्स की तिथियां वो बदली है। कंप्यूटर टंगण परीक्षा के लिए 31 मार्च तक आवेदन जमा आप करवा सकेंगे। CBSE ने जारी की परीक्षा की संशोधित डेटशीट और कुछ विषयों की परीक्षाओं की तिथियां वो बदली है। CBSE की प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षा 12 से ऐच्छिक विषयों की परीक्षा अजमेर एवं जयपुर जिला मुख्यालय पर होगी। नेक्स्ट खबर है, विद्यालयों की RT के तहत बकाया राशि शीघ्र जारी की जाएगी। डोटासरा। नेक्स्ट आपके लिए, कृषि संकाय में शिक्षा सत्र 2021-22 में होंगे प्रवेश। विद्यालय के विकास में भावसा बने मददगार। नेक्स्ट, रीट परीक्षा के आवेदन में ऑफलाइन संशोधन का अंतिम मौका आपके पास। नेक्स्ट आपके लिए, यहाँ पर शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा राज्य मंत्री। आज के समाचार यहीं समाप्त है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।